तो लॉन्च डे पे जो गेम रिलीज कर रहे हैं भाई वो है स्पाइडरमैन 2 499 और हमारा प्राइस है 4650। असैसिन्स क्रीड भी बैक इन स्टॉक है। फायरमैन कंट्रोलर कंपनी ऑफिशियल माल बहुत कम उतार रही है इंडिया के लिए, तो बकायदा मैंने गेम को खेला है और मैं जिस हिस्से में हूँ मैं उसका कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। कंपेयर टू माइल मोरेलिस और स्पाइडरमैन 1 काफी बेटर है, बट इतना नहीं है कि आपको गिफ्ट्स है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पोस्टर्स। तो देखिए अब जो करंट डिजिटल का स्लिम का प्राइस है 49,990, 6,000-7,000 या 7,500 के आसपास पड़ जाएगा। आई एम प्लीज सी द फुल वीडियो, लाइक सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे इन टेक। देखिए फिर से गेम्स कार्ड के उधर ही हम लोग आए हैं क्योंकि इनके पास जो लॉन्च डे पे जो गेम रिलीज कर रहे हैं भाई वो है स्पाइडरमैन 2। जो भी है मुंबई में उन लोग के लिए स्पेशल प्राइस भी बताए गए और प्लस ये डिलीवरी भी करते हैं, जो भी डिस्क के साथ इंक्लूड हो जाता है प्राइस इनका। तो भाई लिस्ट भी पहले दिखा दीजिए कि भाई क्या कौन सा एडिशन आने वाला है। ये है स्टैंडर्ड एडिशन स्पाइडरमैन 2 का, जिसका फुल MRP है 4999 और हमारा प्राइस है 4650। तो सर आपको डे वन पर मिल जाता है। कितने लोग ने तो ऑर्डर किया होगा सर, राइट? सर एक्चुअली अभी तो ये क्वांटिटी अभी कम हो गए, आप काफी पहले आते तो बहुत स्टॉक दिखने मिलता था। अच्छा, और असैसिन्स क्रीड भी बैक इन स्टॉक है। और सर ये दूसरा क्या चीज है जो आप? ओके, स्पाइडरमैन कंट्रोलर, ये भी डे वन पे अवेलेबल है। 25 यूनिट्स आए थे, अभी काफी आई थिंक एक ही बचा है। ओके, तो सर इसका प्राइस कितना है? सर का प्राइस मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, ऑफिशियली आया है बट स्टॉक नहीं मिला ऑफिशियल का, बट इट इज एन इम्पोर्टेड और थोड़ा हाई रेंज का प्राइस है। तो सर ये अराउंड कितने तक रहेगा इसका प्राइस? 7,000-8,000 रुपीज अप्रॉक्स। सर ये इतना क्यों प्राइस? लाइक कंपनी ऑफिशियल माल बहुत कम उतार रही है इंडिया के लिए, आई डोंट नो व्हाई सोनी ऐसा क्यों कर रहा है, बट उसके वजह से डिमांड और सप्लाई के रेंज की वजह से प्राइस हाई है। सर आपके पास कलेक्टर भी आने वाला था लेकिन कलेक्टर डिले हो गया भाई सोनी, उन्होंने बोला है बाय नेक्स्ट वीक या बाय 8th of November आ जाएगा। ओके, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए राइट? जी, सब जगह आने वाला था। तो क्या डिफरेंस पड़ता है, दूसरे के पास से लेते हो आपके पास से लेते हो, कुछ बता सकते? देखिए मेरे यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है डे वन पे, प्लस 12-1 बजे तक स्टॉक रेडी हो जाता है, डिस्पैच होना विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स में हम लोगों का काम हो ही जाता है, पब्लिक के पास पहुंच भी जाता है, खेलना भी चालू कर लेते हैं। तो सर जरा डेमो भी दिखाई दीजिए कैसा है ये गेम। जी, तो देखिए डे वन का लॉन्च है, ऐसा समझ सकते हैं कि अभी भाई ये गेम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में। इसलिए मेरा गेम ये कल रात को ही अनलॉक हो गया था, तो बकायदा मैंने ये गेम को खेला है और मैं जिस हिस्से में हूँ मैं उसका कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो जरूर देख। देखिए इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ प्ले भी कर लिया है गेम में। सर ग्राफिक्स कैसे इसके सर? लाइक कंपेयर टू माइल मोरेलिस और स्पाइडरमैन 1 काफी बेटर है, बट इतना नहीं है कि आपको ओके बट स्टोरी नरेशन बहुत अच्छी दी है, और अगर आप स्पाइडरमैन मूवी फैन हो जो एनिमेटेड मूवी है इसको उसके साथ लिंक अप किया है, जो 2024 में स्पाइडरमैन एनिमेटेड मूवी के साथ जो आने वाला है उसके साथ लिंक अप किया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर? ग्राफिक्स तो आपने बता दिया और गेम प्ले लाइक स्ट्रक्चर कैसा है? गेम अच्छा है। देखिए अगर आप रे ट्रेसिंग की बात करें या फाइट कम्बाइनेशन की बात करें सब सेम ही है जैसे गॉड ऑफ वॉर में था, ये वैसे भी उसके भी गेम प्ले मशीन सेम है। बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक बोला है, आपने जैसे कि रेटिंग शेयर किए थे सर कि बहुत जगह पे इसको 10 out of 10 मिला है, राइट? क्योंकि वो स्टोरी नरेशन वैसी है, उसकी स्टोरी नरेशन जो है वो काफी अच्छी है। आपके हिसाब से अगर सर किसी ने लाइक स्पाइडरमैन 1 नहीं खेला तो वो अगर आपको स्टोरी नहीं समझ में आएगी वो, और माइल मोरेलिस खेलना बहुत जरूरी है, तो बेसिकली आपको मजा ही नहीं आएगा बिना उनके खेले। तो देखिए ऑलरेडी इन्होंने इंस्टॉल कर लिया था गेम और बहुत सारा कुछ ये खेल भी चुके हैं, और अगर आपको ऑर्डर देना है तो ये एक लौता शॉप है जो 24/7 खुला रहता है, और जो फ्रेम में दिख रहे हैं ये शॉप के ओनर ही है गेम स्टार्ट फॉर यू। तो आपको अगर ऑल
नाइट लॉन्ग 24/7 डिलीवरी चाहिए तो आप इनको कॉल या मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं कि भाई ये चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके पास स्पाइडरमैन ही है, इनके पास बहुत सारे टाइटल्स आते हैं जाते हैं, प्री ओन डिस्क भी ये रखते, तो आप व्हाट्सअप पे क्वायरी अपना पूछ सकते हो और गारंटी है आपको ऑनलाइन से इनका प्राइस कम ही मिलेगा। और प्लस डिस्क में इशू होता है, जैसे प्री ओन डिस्क में हम लोग 24 आवर्स में उसको रिप्लेस भी कर देते हैं, माने सिक्योर है उनका पेमेंट कहीं जाएगा नहीं, राइट जी। ये जो गेम है इसके साथ कुछ और भी मिलता है सर, लाइक अगर कस्टमर ने आपके इधर से कुछ खरीदा तो क्या कुछ बेनिफिट होता है कस्टमर को? जी, उनको डे वन पे भी मिलता है, प्लस डिस्काउंट भी मिलता है। अगर कंपनी की तरफ से फ्री गिफ्ट्स है, जैसे फॉर एन एग्जांपल पोस्टर्स। तो देखिए ये जो शॉप के ओनर है अभय भाई, देखिए इनके हाथ में स्पाइडरमैन 2 का पोस्टर है, जो भी कंपनी जैसे भी देती है हम लोग उसके साथ सर। लेकिन अमेजोन पे तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं हाँ। वो नहीं देते, को अलॉट होने के बाद बावजूद वो नहीं देते, बट हम लोग देते हैं गेम के साथ जो भी फ्री वीज आता है वो हम लोग भी अलॉट करते हैं। तो अभय भाई आप तो सोनी के ऑफिशियल सेलर है, तो कुछ और न्यूज है क्या PS5 Slim के बारे में? PS5 Slim लॉन्च होने वाला है और ग्लोबली तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया, बट ये न्यूज आया है कि PlayStation 5 Slim डिटैचेबल डिस्क ड्राइव के साथ लॉन्च होगा। डिजिटल का प्राइस पहले वाले डिजिटल से काफी महंगा है, पहले वाले डिजिटल का प्राइस था 44,990, अब जो करंट डिजिटल का स्लिम का प्राइस है 49,990, 50,000 मतलब 5,000 बढ़ा दिया है, और डिस्क ड्राइव का सेम रखा है एज द ओल्डर वन 54,990। और सर परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, आपको क्या लगता है इसका? कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, रैम भी वही है, स्पेस भी वही है, बाकी सिर्फ थोड़ा डिजाइन चेंज किया है और ड्राइव को डिटैचेबल और नॉन डिटैचेबल कर दिया। और अगर आप सेपरेटली डिटैचेबल ड्राइव लेते हैं वो करीबन $80 का, यानी 6,000-7,000 या 7,500 के आसपास पड़ जाएगा, माने इन शॉर्ट 56-57 में ही पड़ेगा फाइनली वो PS5 Slim जी। और इसके प्राइस भी सर कुछ कम अप एंड डाउन हो गए जब वो आएगा, तभी कुछ आइडिया? पता नहीं, आइडिया नहीं, बट अभी हाल फिलहाल 10,000 के डिस्काउंट पे तो चल ही रहा है 44,990। डिजिटल और फिजिकल का प्राइस एक ही है। तो सर अभी क्रिकेट 24 का अभी क्या प्राइस चल रहा है आपके इधर? क्रिकेट 24 सेम 3999 ही चल रहा है, जो रेगुलर वाला जो है नॉर्मल जो रेगुलर स्टैंड है वो 3300 का है। माल लिनक्स का शॉर्ट होने की वजह से वो MRP पे भी आ रहा है। कुछ कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि भाई स्टॉक का इशू हो जाता है तो हमें मार्केट प्राइस को मैच करना पड़ता है। एंड प्लीज सी द फुल वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, सी यू सून।